एंड सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष राव का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी जो आपने प्रीमियम वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस यहाँ पे मैंने जो भी मटेरियल्स का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद VN एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। स्विच ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस का इन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर एक फोटो से स्टेटस बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ आपको करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोटो का आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सेम प्रोसेस जो मैं अभी कर रहा हूँ आपको करना होगा। तो फोटो वाले ऑप्शन टैप करेंगे, ऑल पर जाएंगे, जिस भी फाइल में आपका फोटो होगा उस फाइल में आ जाइएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटो है, मैं इसमें से कुछ फोटो तब तक के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना टाइम का बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 12 फोटो सिलेक्ट किया हूँ, देन इसका जो एरो पे क्लिक कर देंगे, नीचे वाला एरो जो उस पर, उसके बाद ओरिजिनल जो ऊपर में लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4.5 ही है स्क्वायर साइज, आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने फोटो के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 4.5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ सभी फोटो को एक बार इस तरह से आगे की तरफ स्क्रॉल करके देख लेंगे कि फोटो हमारा कट तो नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट है, सारे फोटो एकदम देख सकते हैं सेंटर में है। देन यहाँ लास्ट में एक ब्लैक वाला जो ये लोगो आएगा इसे आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी एक प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको रोटेट या रिवर्स वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं जितना टाइमिंग था उतना रन देता हूँ, मतलब 0.1 सेकेंड कर लेते हैं। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो यहाँ पे ये सभी पे ये वाला इफेक्ट जो है सो लग गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सब पे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे लग गया। अब किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स का जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें से जो भी इफेक्ट आपको सही लगे उस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जिटर ऑफ का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो पॉइंटर है इसे पूरा फुल करते हैं, तो इसका पॉइंटर थोड़ा कम टाइम तक आ रहा है, तो हम कोई ऐसा लेंगे जो जिसमें इसका जो ये वाला टाइमिंग आप देख सकते हैं ये पूरे फोटो पे आ जाए। इस तरह से यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसे पूरे फोटो पे कर सके, तो इस तरह से ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्पिन इन का जो है इसे सिलेक्ट किया, देन अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो ये सभी जितने भी हमारे फोटो है सब पे इसका इफेक्ट आ जाएगा। जो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी कमाल का इफेक्ट लग रहा है। अब इस वीडियो को आपको सिंपली सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर एडो देख सकते हैं, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने कुछ ही टाइम में ये सेव हो जाए, तो मैं पहले से ही सेव करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। आप सेव टू गैलरी कर लीजिएगा, देन मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट करना होगा, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से प्लस का आइकन पे टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक टो तब तक के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं तब तक के लिए इसी को सिलेक्ट करता हूँ। देन इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर ये वाला जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पर टैप कीजिएगा, मटेरियल में जाइएगा, देन यहाँ पे एक टो बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट यहाँ से मैं ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये लोगो जो है इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद इस वाले जो ब्लैक वाला हम लिए थे उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे, जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते उतना टाइम कर लीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा। टैप करने कुछ इस तरह से आएगा, वीडियो एंड फोटो में जाइएगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो मैंने दिया था ये वाला जो लिरिक्स वाला वीडियो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको क्या करना, फील स्क्रीन करना, तो इस साइड में आइएगा, यहाँ पे फिट कर दीजिएगा, तो पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर फिर से क्लिक कीजिए, वीडियो एंड फोटो में जाइएगा। जाने के बाद आपको वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना जो अभी आपने बनाया था, फोटो वाला जो वीडियो आपने बनाया था उस वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करना तो कुछ इस तरह से आएगा, इसे आपको यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है, इस साइड से सेलेक्ट कीजिएगा और इस तरह से जूम कर दीजिएगा, परफेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वीडियो को इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा और इसे नीचे की तरफ इस तरह से स्लाइड कर दीजिए, तो नीचे आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ऊपर वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है, इस साइड में स्क्रॉल कर लेना है, क्रोमा की का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद एकदम से ब्लैक वाला पे टच कर दीजिएगा, इस तरह से कहीं पे भी यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए ब्लैक वाला पे सिर्फ, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देन आपको राइट क्लिक कर लेना है, तो अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट फिर भी इसमें हम और भी फेर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए जो वीडियो आप अभी यहाँ पे ऐड किए थे। उसके बाद मोशन में जाइएगा, मोशन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिलेंगे, तो आपको क्या करना है लूप एनिमेशन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद शेक वाले पर क्लिक कीजिएगा, या फिर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो आप जिसमें पर भी चाहे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शेक वाले पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसका जो टाइमिंग है ड्यूरेशन इसे आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो जितना पे रखना हो उतना पे रख लीजिएगा। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक बार टैप करना है, ओरिजिनल जो ऊपर में लिखा हुआ उस पर क्लिक करके 9/16 को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ऊपर वाला जो वीडियो है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इस साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे फिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये सही से आ जाएगा। अब ये वाला जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो इसे सेलेक्ट कीजिएगा और इसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने पहले ही इसे करना था तो मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई।
ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे फिट कर दूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसे प्ले करके आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पे और भी मटेरियल आपको ऐड करने हैं, तो सबसे पहले ये वाले ऑप्शन टाइप कीजिए, वीडियो एंड फोटो में जाइए, जाने के बाद फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पीएनजी आपको दिया, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा, इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये जो डिफेंस करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टाइप कर लीजिएगा। तो ये जो पॉइंटर देख रहे हैं, इसे जिधर भी आप लेकर जाइएगा तो विपरीत दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर इसे सेलेक्ट करते, इसे हल्का सा जूम कर लेते इस तरह से, तो सॉरी ये तो गायब ही हो गया। यहाँ से बैक करते हैं, फिर इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पे इस तरह से। तो अब देख लीजिए, जैसे भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो यहाँ पे अपना कलर चेंज करेगा। तो यहाँ पे आएगा तो ये ब्लैक आएगा, ब्लैक में जाएगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो आप इसे जितना पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख लीजिए। तो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ और यहाँ पे इसे सेंटर में रख देता हूँ, परफेक्ट। एंड इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर लास्ट तक कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हो। फिर स्टार्टिंग में आएंगे, फिर से ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे, वीडियो एंड फोटो में जाएंगे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने वाली साइड में स्क्रॉल करके फिल पर क्लिक कर दीजिए, तो पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। देन यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने वाली इसे स्क्रीन कर लीजिएगा और फिर राइट क्लिक कर दीजिए। अब आपका वीडियो जो बनकर तैयार हो चुका है, आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा वीडियो है, ये वाला फोटो वाला वीडियो, ये थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा है। तो इसे हम हल्का सा और जूम कर देंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट कर देंगे। अब एक और प्ले करके देखते हैं, कट तो नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, परफेक्ट, यहाँ पे कट नहीं रहा है, ठीक है, एकदम एडजस्टेबल है, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड किया था वीडियो, इस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ वॉल्यूम वाले ऑप्शन टैप करके इसे फुल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लाइटिंग्स लगा हुआ है, आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आप जितना टाइम का बनाना चाहिए उतना टाइम बना सकते हो। मैंने बस रीडिंग बताया इसलिए 19 सेकंड का बनाया। तो आप जितना टाइम का बनाना चाहे बना सकते हैं और भी अच्छे अच्छे फोटोज का यूज कर सकते हैं। अब जब वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है तो इस वीडियो को सेव करेंगे। सेव करने के लिए ऊपर जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई, उसके इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।